हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी सिद्धार्थ नगर यूपी के अंदर है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट की बात की है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं दोस्तों, 16 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। और आपका एडमिट कार्ड 18 जून से डाउनलोड हो जाएगा और आपकी एंट्रेंस एग्जाम 22 जून से रहेगा और रिजल्ट आपका 30 जून को आ जाएगा। फीस की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी जो कि SC ST है उनके लिए 1000 रुपये फीस है और जनरल और OBC कैटेगरी वालों के लिए 1500 रुपये फीस रहेगी। और आपकी इनकी अदर डिटेल्स आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। वैसे लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से आप ये डायरेक्ट नोटिफिकेशन को देख सकेंगे और अप्लाई भी कर पाएंगे। और दोस्तों, इन्होंने बताया कि इस परीक्षा के अंदर 2023-24 से जो जिन्होंने पहले मास्टर डिग्री पास किया है तो वही इसके अंदर आवेदन करें, तो ये नए जो पास आउट हैं वो आवेदन नहीं करें इसके अंदर, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर इन्होंने फिर से जानकारी दी है सेम। आगे इन्होंने यहाँ पर डिपार्टमेंट के बारे में बताया है, सब्जेक्ट के बारे में, तो अंग्रेजी के अंदर 33, हिंदी के अंदर 55, संस्कृत के अंदर 50, उर्दू के अंदर 12, प्राचीन इतिहास के अंदर 24, इतिहास के अंदर 17, अर्थशास्त्र के अंदर 16, समाजशास्त्र के अंदर 46, राजनीति विज्ञान के अंदर 55, लोक प्रशासन के अंदर 8, वाणिज्य के अंदर 28, शिक्षा शास्त्र के अंदर 17, भूगोल के अंदर 52, रसायन विज्ञान के अंदर 56, भौतिक विज्ञान के अंदर 34, गणित के अंदर 48, प्राणी विज्ञान के अंदर 38, नस्तत्व विज्ञान के अंदर 26, रक्षा अध्ययन के अंदर 2, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 7, गृह विज्ञान के अंदर 8, मनोविज्ञान 8, शिक्षण शिक्षा 27, प्रबंधन अध्ययन 24, टोटल 691 सीटें हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कुछ मान्य निर्देश के अंदर लिखा है कि दोस्तों, जो भी आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो उसके अंदर गलतियाँ नहीं करनी है आपको, क्योंकि बाद में चेंजेस नहीं होंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अपने सभी डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अपलोड करने होंगे यहाँ पर, और जो भी आप एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करेंगे तो वो रिफंडेबल नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा जब आप एडमिशन लेंगे तो, और टोटल 200 मार्क्स का आपके शोध पत्रता परीक्षा रहेगी, जिसके अंदर की 140 मार्क्स आपके एंट्रेंस एग्जाम के रहेंगे और 60 मार्क्स आपके इंटरव्यू के रहेंगे, और 50% मार्क्स आपको लाने होंगे इंटरव्यू के अंदर अपीयर होने के लिए, और 40% मार्क्स जो रिजर्व कैटेगरी उनको लाने होंगे इंटरव्यू के अंदर अपीयर होने के लिए। और दोस्तों, जिन्होंने ये नेट JRF या UGC CSIR ये सभी कुछ क्वालिफाई किया है तो दोस्तों, वो एग्जम्प्टेड रहेंगे, तो उनको एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और आगे यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है, तो ये आप रीड आउट कर सकते हैं। और आगे यहाँ पर इन्होंने रिसर्च रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताई है कि कोर्स वर्क रहेगा जो कि 6 मंथ के लिए रहता है, और ये पूरी यहाँ पर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। कोर्स वर्क की फीस 20,000 पर रहेगी। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर पूरी डिटेल अच्छे से दी है कि 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए और 55% मार्क्स आपको प्रत्येक पेपर के अंदर लाना होगा पास होने के लिए कोर्स वर्क के अंदर। ऐसे ही इन्होंने आगे यहाँ पर फीस की बात की है, तो फीस की भी डिटेल हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये फीस स्ट्रक्चर है, तो फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एडमिशन फीस 500 रुपये लिखी गई है जो कि अभी चेंज हो गई है, बट सिक्योरिटी डिपॉजिट फीस 1000 पर रहेगी। ऐसे इन्होंने यहाँ पर PhD कोर्स वर्क फीस 20,000 पर रहेगी, तो ये टोटल फीस यहाँ पर आप दे सकते हैं। हॉस्टल मेस फीस यहाँ पर नहीं बताई गई है, ऐसे ही इन्होंने पार्ट टाइम की फीस बताई हुई है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।